हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग रिया ब्लॉग। आज है ओम और राम का बाथिंग डे और मैं ले आई हूँ कुछ नीम के लीव्स। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ नीम के पत्ते हैं, इनको मैं तोड़ के लाई हूँ और मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऐसे हुए कुछ। मैं ओम और राम, हमारे जो दोनों पैरेट हैं, उनको इस नीम के लीव को पानी में उबालकर नहलाती हूँ। ऐसा ये बिल्कुल नेचुरल है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कुछ लोग अपने पेट्स को शैम्पू से नहलाते हैं और केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और आप जानते भी होंगे कि पेट्स के लिए यानी पैरोट के लिए केमिकल शैम्पू भी आते हैं मार्केट में, लेकिन केमिकल शैम्पू उनके लिए अच्छा नहीं होता। केमिकल शैम्पू कभी ना कभी बाद में तो उल्टा रिएक्शन कर ही देता है, इसीलिए मैं नेचुरल तरीका यूज़ करती हूँ। मैं उनको नीम लीव से नहलाती हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया है एक कंटेनर में नीम की लीव्स। आप देख सकते हैं ये नीम की लीव्स ली है मैंने। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वाटर। मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं ये लीफ में मैंने वाटर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करूँगी गैस में। बॉईल तब तक करेंगे, एज सपोज़ आइडिया मैंने 5 जग वाटर लिया है, तो मैं उसको तब तक बॉईल करूँगी जब तक ये 3 जग वाटर ना हो जाए। बॉईल करने पे इसका कलर ही आप देखेंगे बाद में, अलग ही रंग आएगा इसका। और वाटर बॉईल हो चुका है, आपको कुछ इस टाइप से पता लगेगा। जब आप इसको बॉईल करेंगे थोड़ा उसका पानी कम होने लगेगा और इसकी फ्रेग्रेंस आपको आने लगेगी। फ्रेग्रेंस थोड़ी आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर बॉईल हो गया है। तो मैंने इसको अभी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। इसको टाइम लगेगा बॉईल होने में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब ये गर्म हो गया है और इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का आ गया है। इसे आप देख सकते हैं हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। मैंने इसको अभी गैस से उतारा और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसमें थोड़ी देर इसको ठंडा होने देना है। फिर मैं इसे स्ट्रेन करूँगी, इसे छानूँगी और फिर इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ला के अपने पैरेट को इसमें नहलाऊंगी। इसको मैं पैरेट को स्प्रे करूंगी स्प्रे बॉटल से। इससे क्या होता है, जो पैरेट के सारे स्किन में इन्फेक्शन होता है, स्किन में जो कीड़े होते हैं और जो स्किन एलर्जी होती है, उनके फेदर्स झड़ते हैं, वो सब इससे ठीक हो जाते हैं। ये हर्बल मेडिसिन है और हमें इसीलिए इसे यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये केमिकल फ्री है पूरा। आप जानते ही होंगे कि केमिकल जो है हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है। वो अभी हमें इफ़ेक्ट नहीं देता तो बाद में तो हमें ज़रूर इफ़ेक्ट देता ही है। इसीलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपके पास भी पैरेट है और उनको भी अगर स्किन एलर्जी हो रही है तो उन्हें नीम के पानी में या हल्दी के पानी में नहलाएं। और आप इन्हें नॉर्मल रेगुलर भी नहला सकते हैं 8-10 दिन में इस पानी से, जिससे वो लोग अच्छे रहते हैं। आपने ओम की आवाज़ भी सुनी होगी, वो कितना एक्साइटेड हो गया है। मैं आपको उसका फ़ोटो दिखाती हूँ, वीडियो दिखाती हूँ। देखिए ओम कितना खुश हो गया है, उसने अभी अभी आवाज़ निकाली, वाह। ऐसे देख सकते हैं आप, ओम बहुत खुश हो गया है। अभी वो नहाने के लिए वो पानी का स्प्रे करेगा और ये राम है, ये भी इस पानी से स्प्रे करके नहाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में बताइए और आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे 10 दिन में, हर 10-10 दिन में इसको करें। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई चैनल।